हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडीएफ गुरु एकेडमी। आज के इस वीडियो में जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं उनकी पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम देखेंगे। यह वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, स्टेट पीसीएस एंड अन्य अदर गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, जो लोग हमारे चैनल पीडीएफ गुरु एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2019 का ब्यास सम्मान किसे दिया गया? 2019 का ब्यास सम्मान दिया गया नासिरा शर्मा को उनकी पुस्तक कागज़ की नाव के लिए। ब्यास सम्मान हर साल दिया जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में ब्यास सम्मान दिया जाता है। तो 2019 का जो ब्यास सम्मान है नासिरा शर्मा को दिया गया कागज़ की नाव पुस्तक के लिए। ब्यास सम्मान 2018 को दिया गया लीलाधर जगुड़ी को, इनकी पुस्तक है जितने लोग उतने प्रेम, जिसके लिए इन्हें 2018 का ब्यास सम्मान दिया गया और इनका नाम है लीलाधर जगुड़ी। 2019 का मैन बुकर प्राइज़ दिया गया दो महिलाओं को। पहली महिला है मार्गरेट एटवुड जो कि कनाडा की रहने वाली हैं और दूसरी हैं बर्नार्डी एवरिस्टो और ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। मार्गरेट एटवुड, इनकी बुक है द टेस्टामेंट्स। द टेस्टामेंट्स बुक के लिए मार्गरेट एटवुड को मैन बुकर प्राइज़ 2019 दिया गया और बर्नार्डी एवरिस्टो को लिए इनकी जो बुक है गर्ल वुमेन एंड अदर, इस बुक के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ 2019 का दिया गया। बर्नार्डिन एवरेस्टो दुनिया की पहली अश्वेत महिला है जिन्हें मैन बुकर प्राइज दिया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया। ये पुरस्कार दिया गया जोका अलहर्ती को जो कि ओमान देश की रहने वाली हैं और इनकी पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 का दिया गया। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने और शशि थरूर ने इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा है जिसकी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। शशि थरूर द्वारा अन्य भी पुस्तक लिखी गई हैं जैसे वाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये सारी पुस्तक जो हैं शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार का जो दिया गया है ये शशि थरूर को दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एक उपन्यास है जिसका नाम है द फार फील्ड। इस उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक है माधुरी विजय और माधुरी विजय को साहित्य के लिए जेएसबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी उपन्यास है द फार फील्ड। अभी अभी बुक फेयर हुआ था अबू धाबी में और मैक्सिको में, तो अबू धाबी जो बुक फेयर हुआ था 2019 का उसमें गेस्ट कंट्री कौन था? गेस्ट कंट्री इंडिया था और मैक्सिको बुक फेयर जो 2019 का हुआ था उसमें जो गेस्ट कंट्री था वहाँ पे भी इंडिया था। और एक बुक फेयर होने वाला है पेरिस में जो कि 2020 में होगा, इसमें जो गेस्ट कंट्री होगा वो भी हमारा इंडिया होगा। 21वें उत्तर पूर्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? 21वें उत्तर पूर्व पुस्तक मेले का आयोजन ये गुवाहाटी में किया गया। एक पुस्तक है उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक, इस पुस्तक को किसने जारी किया है? इस पुस्तक को जारी किया है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने बच्चों की सेहत से जुड़ी समस्याओं के लिए उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक पुस्तक जारी किया है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं उनका नाम है हेनरीटा एच फोरे। हेनरीटा एच फोरे यूनिसेफ के प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोराय, ये पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है हेमंत करकरे की पुत्री जूही करकरे। एक बुक है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है मिहिर दलाल ने। बेसिकली ये जो पुस्तक है जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं
बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के जीवन पर लिखी गई है, यानी बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है, जिसे लिखा है मिहिर दलाल। तो इस बुक का नाम है द बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स वेयर वी केम फ्राम। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है टोनी जोसेफ ने, और टोनी जोसेफ को इस पुस्तक के लिए फर्स्ट शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज दिया गया। तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं श्रीधर राव देश पांडे। ये पुस्तक जो है कलेश्वरम परियोजना पर आधारित है, जो कि एक सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, और ये तेलंगाना राज्य का परियोजना है जिसका नाम है कलेश्वरम परियोजना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं श्रीधर राव देश पांडे। एक पुस्तक है 10 Studies in Kashmir द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं काशीनाथ पंडित, और काशीनाथ पंडित एक प्रसिद्ध इतिहासकार शिक्षाविद हैं, और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। द कजिन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड शैडो ऑफ सैट्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं पत्रकार धवल कुलकर्णी। सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन 1883-1924। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक पुस्तकें, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा एम वेंकैया नायडू ने, और इस पुस्तक में जो रामनाथ कोविंद है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके जो चयनित भाषण हैं उसका इसमें संकलन किया गया है, और इसमें उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू ने उनके भाषणों को बहुत ही अच्छे से संकलन किया है। तो लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक पुस्तक के जो लेखक हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के लेखक कौन हैं? इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के लेखक हैं वाई वी रेड्डी और डॉक्टर जी आर रेड्डी। एक बुक है उसका नाम है द रूल ब्रेकर्स। द रूल ब्रेकर्स के लेखक हैं प्रीति सेना है। ये एक लेखिका है, महिला लेखिका है, और ये फोर्ब्स द्वारा नॉमिनेट की गई थी, और इनका नाम है प्रीति सेनाएँ, और इनकी बुक है द रूल ब्रेकर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। इसके लिए इसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, और इसको लिखा है अभिजीत वी बनर्जी और उनकी वाइफ एस्टर डेफ्लो। क्योंकि ये इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसकी वजह से ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखा है अभिजीत वी बनर्जी एंड एस्टर डेफ्लो। नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है अभिजीत बनर्जी, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन एंड मिहिर शर्मा। ये सभी लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। अब क्वेश्चन फॉर्मेट में हम देख लेते हैं। गेम चेंजर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है पाकिस्तान के एक दिग्गज खिलाड़ी जो धुआंधार बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम है शाहिद अफरीदी। क्वेश्चन नंबर 2, नो स्पिन पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन जो है ये पुस्तक ऑस्ट्रेलिया के एक महान गेंदबाज जिनका नाम है शेन वार्न, जो कि मुथैया मुरलीधरन के बाद ये दूसरे नंबर पे आते हैं, और इनकी ये आत्मकथा है। मुथैया मुरलीधरन के बाद ये दूसरे गेंदबाज हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस पुस्तक के लेखक हैं मलाला यूसुफ़ज़ई, और ये मलाला यूसुफ़ज़ई हैं जो हैं पाकिस्तान की रहने वाली हैं। विवेक दीपनी पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक दीपनी पुस्तक के लेखक हैं आदि शंकराचार्य, यानी 4 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, यानी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए।
281 एंड इट्स बियॉन्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये भारत के बल्लेबाज हैं, इनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण और ये बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं, जिसके लिए इन्हें वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो 281 एंड इट्स बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं वीवीएस लक्ष्मण। विनिंग लाइक अ सौरव, थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विनिंग लाइक अ सौरव, थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली, इस पुस्तक के लेखक हैं अभिरूप भट्टाचार्य। और ये जो पुस्तक है सौरव गांगुली के जीवन पर लिखी गई है, यानी ये जो पुस्तक है सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है और इसको लिखा है अभिरूप भट्टाचार्य ने। सौरव गांगुली अभी अभी BCCI के 39th नंबर के अध्यक्ष बने हैं। एक पुस्तक है क्रिक जोन। क्रिक जोन मैगजीन को किसने लॉन्च किया है? क्रिक जोन मैगजीन को लॉन्च किया है स्मृति मंधाना, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं और ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेट पर आधारित मैगजीन है और इसके कवर पेज पे भारतीय महिला क्रिकेट की जो खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, उनका फोटो कवर पेज पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिल्कमैन पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्कमैन पुस्तक के लेखक है एना बंस, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10, एंट्स अमंग एलिफेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एंट्स अमंग एलिफेंट पुस्तक के लेखक हैं सुजाता गिड़ला, यानी राइट आंसर है ऑप्शन बी। डेमोक्रेसी ऑन द रोड पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी ऑन द रोड पुस्तक के लेखक हैं रुचिर शर्मा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लेखक कौन है? सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लेखक हैं जोखा अलहर्ती, जो कि ओमान देश से बिलोंग करती हैं और इस पुस्तक के लिए उन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 का दिया गया। एक पुस्तक है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यानी राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, द रूल ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक है प्रीति सेनाए। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, यानी राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं पी चिदंबरम। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आई डू व्हाट आई डू इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन, यानी राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है संजय बारू और संजय बारू ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है। एक पुस्तक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, जिसे लिखा शशि थरूर, और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसके लेखक है संजय बारू। तो इन दोनों बुक में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पैराडॉक्सियल जो प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो इसे लिखा है संजय बारू ने। फ्लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट्स पुस्तक के लेखक हैं ओल्गा टोकर्ज़बुक, यानी राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन, यानी राइट आंसर है ऑप्शन बी। रावण एनमी ऑफ आर्यव्रत पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, यानी राइट आंसर है ऑप्शन बी।
द इंग्लिश पेशेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश पेशेंट पुस्तक के लेखक हैं माइकल ओंडाटेजे। माइकल ओंडाटेजे द इंग्लिश पेशेंट पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गन आइसलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? गन्स आइसलैंड पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 26, लेसन्स लाइफ थॉट्स मी अन नोविंगली इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर, जो कि एक अभिनेता हैं। माई सेडिटियस हर्ट, माई सेडिटियस हर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। अ रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? अ रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक हैं वरुण गांधी। खूनी वैसाखी पुस्तक के लेखक कौन है? खूनी वैसाखी बेसिकली ये पंजाबी भाषा में इसको जो लिखा है नानक सिंह ने लिखा है, लेकिन अंग्रेजी जो एडिशन लिखा नवदीप सिंह सूरी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक है बाबा रामदेव, यानी राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लू वाटर ओहियो पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लू वाटर ओहियो पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं अनूप सिंह हैं, यानी राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रीमा हुजा, रीमा हुजा महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर। क्वेश्चन नंबर 33, विराट द मेकिंग ऑफ चैंपियन इस पुस्तक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक नीरज झा और विधांशु कुमार, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नीरज झा और विधांशु कुमार ने विराट द मेकिंग ऑफ चैंपियन पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं तपन कुमार चंद, तपन कुमार चंद्र एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल पुस्तक के लेखक हैं, और जो तपन कुमार चंद जो नालको कंपनी के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द टेक विस्परर किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है जसप्रीत बिंद्रा द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया एंड नीदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है वेणु राज मोनी द्वारा, यानी राइट आंसर है ऑप्शन ए। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, और इस पुस्तक को लिखा है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, यानी राइट आंसर है ऑप्शन ए। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर इस पुस्तक का जो पूरा नाम है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, और इस पुस्तक को लिखा है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO हैं वो सत्या नडेला हैं, और उनकी बुक है हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड इस पुस्तक को लिखा है संदीप शास्त्री ने, तो इस बुक को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसमें भी शास्त्री आ रहा है और जो राइटर हैं उनके भी नाम में शास्त्री आ रहा है, तो संदीप शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं। कोहिनूर एक्सप्रेस पुस्तक के लेखक हैं रेंसिल डिसिल्वा, रेंसिल डिसिल्वा जो हैं कोहिनूर एक्सप्रेस पुस्तक के लेखक हैं। और एक पुस्तक है बिकमिंग जो जिसके लेखक हैं बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 38, रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लिगेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लिगेसी, और रिशेट का पूरा नाम है रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी
लिगेसी। क्वेश्चन नंबर 39, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इस पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है राजेंद्र वी अलेक्जर द्वारा। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इस पुस्तक में जो इंडियन रेलवे उसके हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिजिटल नेशन, ब्रिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ब्रिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी विमोचन किए हैं, लेकिन इस पुस्तक को लिखा है एन चंद्रशेखरन ने, और एन चंद्रशेखरन जो है टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स ऑफ द चैंपियंस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है सुसान नीनन ने, सुसान नीनन ने इस पुस्तक को लिखा है, और विश्वनाथन आनंद दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, जिसका नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक्स थे जो कि न्यूज़ में बने रहे 2019 जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सोशल मीडिया साइट से शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।